अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ फिर इमरान भाई हैं और बारिशें हो गई थी, इस वजह से हमारा व्लॉग डिले हो गया। और ये देखें, पीछे पानी ही पानी खड़ा हुआ है, इधर भी बहुत सारा पानी है। तो आज हम लोग आए थे टिकटॉक की वीडियो बनाने, तो इमरान भाई ने कहा कि हम साथ अपना व्लॉग भी बना लेते हैं। हमारे पास अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ पे बनाएं, तो हमने कहा चलो ऐसे आ जाए, आपको अपना गांव भी दिखा देंगे और अपनी कुछ वीडियोस भी शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह फिर आपको। अच्छा जी, अब हम लोग आगे जाने लगे थे तो मैंने कहा ये दिखा दूं, ये देखो बारिश की वजह से ना ये नीचे गिर गए हमें हवा। अच्छा, हवा और बारिश की वजह से। इमरान भाई, ये क्यों गिरते हैं? यार आपको पता है जब हवा तेज चलती है, बारिश आती है। ये गंदम में क्या चीज़ है? यार ये भैंसों का चारा है। अच्छा, चारा है भैंसों का, मैंने समझा गंदम है। अच्छा, तो ये सामने एम ब्लॉक है फेस 5 का और ये इमरान भाई हैं। यहाँ पे बिल्कुल रिजल्ट नहीं आ रहा और अब हम जा रहे हैं आगे, फिर आगे जाकर आपको कुछ दिखाते हैं। यहाँ से गुजर रहे थे तो इसको लड्डू पिट्टी कहते हैं, शायद पता ही होगा सब लोगों को। तो ये इमरान भाई ने कहा कि खा लें और ये भाई जो हैं ये बना रहे थे और कुछ जो है इन भाई से भी पूछते हैं। इसको लड्डू पिट्ठी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भैया? लड्डू पिट्ठी। और ये मूली काटते हैं, इसके साथ गाजर भी काटते हैं। और ये भाई हैं जो बना रहे थे और यहाँ पे ये रिंग रोड के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं और वो हमारे इमरान भाई। आप खा क्यों नहीं रहे इमरान भाई? खाएँ अब। मैं आपके लिए रहता, मैं खाता हूँ, आप खाएँ। अच्छा, तो भैया लड्डू पिट्ठी बना रहे हैं और अभी हम देखते हैं। ये चटनी किस चीज़ की है? कुरबानी। अच्छा, कुरबानी की चटनी है। और वो ये क्या चीज़ है? अच्छा, वो जो है ये भी, ये भी कुरबानी की चटनी है। ठीक हो भाई, इनको पार्क भी दिखाते हैं। ये नवाज शरीफ इंटरचेंज के पास एक छोटा सा पार्क है, यहाँ पर हम आए थे तो हमने कहा यहाँ का भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पे शाम को कुछ लोग आए होते हैं, जिस तरह टिकटॉकर्स आए होते हैं और वो कुछ लड़के खड़े हुए हैं, वो बैक फ्लिप जिसको कहते हैं ना, वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बेचारे बार बार नाकाम हो रहे हैं। और ये हमारे इमरान भी खड़े हुए हैं। ओके जी, तो जो हमने भी व्लॉग बनाया था भाई के पास, लड्डू पिट्ठी वाले के पास, तो उसको बनाने का मकसद ये था कि हमने देखा था कि भाई का जो ये है ना एक हाथ ख़राब था, जो कि आप वीडियो में देखेंगे भी। और हाँ, मेरी आपसे ना एक रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी हमारे यूज़र हमें देख रहे हैं, कैसे लोग जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला की तरफ से उनको कोई मजदूरी है लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इनसे कुछ ना कुछ जो भी वो बेच रहे हैं खरीदें ताकि उनकी हेल्प हो सके और उनको समझ लें कर ही जाए यार के। और हमें ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी कि यार वो भाई का एक हाथ नहीं है फिर भी वो भाई मेहनत कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने वीडियो बनाने की कोशिश की लेकिन वो भाई थोड़ा सा शर्मा रहे थे तो इस वजह से हमने इस चीज़ का जिक्र वहाँ पे नहीं किया, लेकिन हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने अपनी मजबूरी का जो है ना फ़ायदा नहीं उठाया, उन्हें अपनी मजबूरी का जो है ना गलत फ़ायदा नहीं उठाया, उन्होंने मतलब एक सही पॉजिटिव जो है ना वो बिल्कुल ऐसे लोगों को सलाम है जो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखते हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, क्योंकि रिज़क का वादा मेरे अल्लाह ने किया हुआ है और अल्लाह पाक ही बेहतरीन राजी हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सिर्फ टिकटॉक की वीडियोज़ बनाने आए थे तो हमने कहा चलो व्लॉग भी बना लेते हैं। तो अभी मैंने कुछ लोगों से ये भी कहना था कि अगर आप लोगों को कोई अच्छी जगह पता है जहाँ पे कोई बिज़नेस व्लॉग बन सकता है या कोई फूड पॉइंट है अच्छा जहाँ पे आप चाहते हैं कि हम लोग आकर व्लॉग बनाएं, या आपके पास कोई अच्छी जगह है या कोई कुछ भी मतलब टैलेंट वगैरह है तो भी आप हमें बता सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे आकर वीडियो बनाएंगे। आज का संडे हमारा ज़ाया हो गया है क्योंकि हाँ, समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, कोई आज असल में हमने सोचा नहीं था कि हम लोग इस तरह से आएंगे। तो अगर आपके पास कोई अच्छी जगह है तो हमें आपने कमेंट में बताना है, तो और हमारे साथ अपनी डिटेल्स शेयर करनी है, हम आपके पास आएंगे और ब्लॉग बनाएंगे। और आपने जिस तरह हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह हमें आपने सपोर्ट करना है। और अभी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।